नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अग्रिम इलाकों के दौरे पर। भारत ने कहा, कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराया गया दूतावास संपर्क न तो सार्थक था और न ही विश्वसनीय। अमरीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत आज से अंतरिम आधार पर शुरू। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अब सभी पंजीकृत चिकित्सा कर्मी कोविड-19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले इस सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश भी सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारों, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है, कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप आवश्यक। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट को ध्यान में रखते हुए यह सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर केंद्रित करेगा। चर्चा के दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद यह पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर अपना संबोधन दिया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती अग्रिम इलाकों के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इस दौरान उनके साथ होंगे। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चीन के साथ हाल में सीमा पर तनातनी के बाद श्री सिंह का लद्दाख का ये पहला दौरा है। चुशुल में इस महीने की 14 तारीख को दूसरे चरण में विघटन के मुख्य कमांडरों के बीच 15 घंटे की वार्ता की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज की यात्रा में श्री राजनाथ सिंह पेंगोंग त्सो के पास एक फॉरवर्ड पोस्ट लुकुंग में तैनात सैनिकों और अर्धसैनिक बलों से मिलेंगे। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री को सैन्य बलों के बीच परिचालन समन्वय पर एक प्रदर्शन दिया जाता है, जिसमें पैराग्लाइडिंग भी शामिल है। श्री सिंह को सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। श्री राजनाथ सिंह का हिमालय की पीर पंजाल चोटियों में लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग सुरंग का दौरा करने का भी कार्यक्रम है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल सुरंग रखा गया है। करीब 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग होगी, जिसके निर्माण से मनाली से केलांग तक का सड़क का सफर 48 किलोमीटर कम हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग का उपयोग भारतीय सेना लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए आवश्यक रसद और अन्य सामग्री की सप्लाई के लिए भी करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बिना रुकावट या बिना शर्त के कुलभूषण जाधव से नहीं मिलने दिया गया। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इसके विपरीत भारतीय पक्ष के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारी धमकी भरे दुस्साहस के साथ जाधव के बिल्कुल करीब मौजूद रहे। प्रवक्ता ने बताया कि जाधव के साथ भारतीय अधिकारियों की पूरी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड होती दिख रही थी। इस दौरान जाधव तनाव में दिख रहे थे और उन्होंने ये बात दूतावास के अधिकारियों को भी बताई। कुलभूषण जाधव के साथ मुलाकात की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें खुलकर बातचीत करने की गुंजाइश नहीं थी और दूतावास के अधिकारी जाधव को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में ढंग से जानकारी नहीं दे सके और उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए जाधव की लिखित सहमति लेने से भी रोका गया।
इन परिस्थितियों में भारतीय दूतावास के अधिकारियों का मानना था कि कुलभूषण जाधव से मिलने की पाकिस्तान की पेशकश अर्थहीन थी। इस रवैये पर विरोध दर्ज करने के बाद भारतीय दूतावास के अधिकारी मौके से चले गए। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह साफ है कि इस मामले में पाकिस्तान का रवैया बाधक बना रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 2019 के फैसले को पूरी तरह लागू करने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश का न केवल उल्लंघन किया बल्कि अपने ही अध्यादेश के अनुसार कार्रवाई भी नहीं की। श्री श्रीवास्तव ने कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि कल के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जाधव के साथ भारतीय अधिकारियों की बातचीत पूरी तरह से गोपनीय होनी चाहिए और बातचीत के समय कोई भी पाकिस्तानी अधिकारी नहीं होना चाहिए, तभी श्री जाधव खुलकर अपनी बात कह सकेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने दियामार बाशा बांध के निर्माण पर भी पाकिस्तानी सरकार का विरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बांध के निर्माण से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग में परिवर्तन करने की पाकिस्तान की कोशिश की भारत निंदा करता है। श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग में ऐसी सभी परियोजनाओं को लेकर भारत ने चीन और पाकिस्तान से निरंतर विरोध व्यक्त किया है और अपनी चिंताएं साझा की हैं। भारत और चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थिति सामान्य बनाने के लिए स्थापित राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों से अपनी अपनी सेनाएं हटाने और पूरी तरह शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए दोनों देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी रखेंगे। The diplomatic and military officials of both sides will continue their meetings to take forward the process of disengagement and de-escalation as agreed to by the special representatives. The next meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, the WMCC, is expected to take place soon. प्रवक्ता ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाएं वापस बुलाने का मुद्दा जटिल है, इसलिए अप्रमाणित और निराधार खबरों से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय पश्चिमी क्षेत्र से सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती और उनके बीच टकराव को रोकना है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट अपने क्षेत्र में अपनी नियमित चौकियों पर कुछ विशेष स्थलों पर फिर से तैनाती पर सहमत हुए हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोविड महामारी के दौर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए सीमित संख्या में द्विपक्षीय आधार पर विमान सेवाएं फिर से शुरू की जा सकती हैं। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री पुरी ने कल कहा कि इस संबंध में तीन देशों के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि अमरीका के लिए द्विपक्षीय आधार पर सीमित संख्या में विमान सेवाओं के लिए वहां की यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ समझौता हुआ है, जिसके तहत आज से 31 जुलाई तक 18 उड़ानें संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एयर फ्रांस भी कल से 1 अगस्त तक पेरिस से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए विमान सेवाएं चलाएगा। श्री पुरी ने कहा कि जर्मनी ने भी इसी तरह की विमान सेवाएं संचालित करने के लिए अनुरोध किया है और इस संबंध में लुफ्तांसा के साथ समझौता करीब करीब हो चुका है। घरेलू विमान सेवाओं के बारे में नागर विमानन मंत्री ने कहा कि इनका संचालन 25 मई से शुरू हुआ और पहले ही दिन 30,000 यात्रियों ने यात्रा की। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान ड्रोन सेवाएं संचालित करने के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ड्रोनों की अहम भूमिका होगी और सरकार इस चुनौती को लेकर काम कर रही है। भारतीय नागरिकों को विदेश से भारत वापस लाने के सबसे बड़े अभियान वंदे भारत मिशन का जिक्र करते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इस अभियान का चौथा चरण जारी है। उन्होंने बताया कि इस महीने की 15 तारीख तक 6,75,000 से अधिक प्रवासी भारतीयों को दुनिया के कई देशों से स्वदेश लाया जा चुका था। नागर विमानन सचिव प्रदीप खोसला ने कहा कि वंदे भारत अभियान के तहत जितनी बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों को स्वदेश लाया गया, उससे यह भी कहा जा सकता है कि यह विश्व नागर विमानन के क्षेत्र में सबसे बड़ा अभियान था। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न देशों के लिए सीमित संख्या में विमान सेवाएं शुरू करने का रास्ता साफ होगा। एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल ने कहा कि फंसे हुए प्रवासियों को निकालने के मिशन के तहत 13 जुलाई तक एयर इंडिया समूह ने 1100 से अधिक उड़ानें संचालित की और 2 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश पहुंचाया और 85,000 लोगों को उनके देश पहुंचाने में भी मदद की।
भारत और अमरीका ने व्यापार और आर्थिक संबंध और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमरीका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस के बीच कल अनौपचारिक ऑनलाइन बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने कोविड 19 की स्थिति पर विचार किया और इस महामारी से संघर्ष में दोनों देशों के बीच सहयोग की सराहना की। उन्होंने भारत और अमरीका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं में हुई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लंबित भारत अमरीका सामाजिक सुरक्षा समग्र संधि का भी शुभारंभ किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस वर्ष फरवरी में भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। विल्बर रॉस ने इस मुद्दे का संभव समाधान तलाशने के लिए अमरीका के सामाजिक सुरक्षा प्रशासक और संबंधित भारतीय अधिकारियों के बीच बैठक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया। दोनों देशों के बीच समुद्री जीव संरक्षण के बारे में भी चर्चा हुई। इस सिलसिले में भारतीय मत्स्य विभाग और वन और पर्यावरण मंत्रालय तथा अमरीकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श को लेकर सहमति बनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों, दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और उनके आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 52वें स्थापना दिवस समारोह में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से आज भारत अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करता है। उन्होंने कोविड 19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद देश में फसलों के रिकॉर्ड पैदावार के लिए कृषक समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी खेती को बढ़ावा देने और इस संबंध में अनुसंधान की आवश्यकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े का सामान बनाने वाले समाज के वंचित समुदायों के कारीगरों के लिए दिल्ली में अपनी तरह का पहला जूता चप्पल निर्माण प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इसे आगरा के केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान की तकनीकी जानकारी से स्थापित किया गया है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष वीके सक्सेना ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेने वालों को 2 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपना कारोबार चलाने में सहायता दी जाएगी। उन्हें प्रशिक्षण के बाद 5,000 रूपये मूल्य का टूल किट दिया जाएगा, ताकि वे अपना कारोबार कर सकें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में नागनाद चिम्बर इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों के संयुक्त दस्ते ने आतंकवादियों की मौजूदगी का सुराग मिलने के बाद इलाके की नाकेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए, उनकी पहचान का पता लगाया जा रहा है, अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने कल कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 1 आतंकवादी को मार गिराया। सेना सूत्रों के अनुसार कैरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर आने पर सतर्क सैनिकों ने कार्रवाई की और घुसपैठिए को मार गिराया। घुसपैठ स्थल से AK-47 राइफल बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के कश्मीर मंडल के महानिदेशक राजेश मिश्रा ने कल श्रीनगर में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति से अवगत कराया। श्री मुर्मू ने उन्हें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सभी मोर्चों पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ प्रतिकूल स्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले BSF कर्मियों के कल्याण के लिए कदम उठाने को भी कहा। उपराज्यपाल ने सभी सुरक्षा बलों के साथ लगातार तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के कार्य में सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अग्रिम इलाकों के दौरे पर। भारत ने कहा कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराया गया दूतावास संपर्क न तो सार्थक था और न ही विश्वसनीय। अमरीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत आज से अंतरिम आधार पर शुरू। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब सभी पंजीकृत चिकित्साकर्मी कोविड 19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। दुनिया एवं संस्कृत जगत की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी
प्रत्येक शनिवार प्रातः 7:10 से और पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:10 से आकाशवाणी के FM समाचार चैनल पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब सभी पंजीकृत चिकित्साकर्मी कोविड-19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांच और उपचार की प्रक्रिया तेज कर रही है, जिसके कारण अब देशभर में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 की जांच में बढ़ोतरी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप है और इससे संक्रमण का पता लगाने में मदद मिली है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 3,26,826 नमूनों की जांच की गई। अब तक देशभर में 1,27,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि प्रति 10,00,000 व्यक्तियों पर जांच का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है और इस समय यह 9,231 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस समय 874 सरकारी और 360 निजी प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच की जा रही है। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,12,815 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.25% हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,783 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कुल 3,31,146 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 32,695 लोग संक्रमित हुए और 606 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मृतकों की संख्या 24,915 हो गई है। सरकार ने कहा है कि भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित 2% से भी कम रोगियों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के परिसर में नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत कोविड महामारी के साथ लड़ाई में जीत की ओर बढ़ रहा है। श्री हर्षवर्धन ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी का निर्माण लगभग 6,300 वर्ग मीटर में किया गया है, जो देश में सबसे बड़ा ओपीडी ब्लॉक है। इसमें एक स्मार्ट लैब है, जिसके निर्माण पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच करने की क्षमता है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संक्रमित 1,385 रोगियों का पता लगा, जिसके साथ ही राज्य में इस महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,558 हो गई है। अब तक 14,101 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 7,289 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना हाई कोर्ट के जज समेत 419 नए संक्रमित मरीज राजधानी में मिले हैं। कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी समेत 15 स्टेशनों पर 300 आइसोलेशन कोच खड़ा करने का निर्णय लिया है। इस बीच राज्य में प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आज से विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने कोरोना की जंग जीत चुके लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिदिन 20,000 नमूनों की जांच करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कोविड अस्पताल में आइसोलेशन बेड की संख्या भी बढ़ाने को कहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 242 मरीजों का पता चलने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 4,818 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 6 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 44 हो गई है। इस बीच राज्य में उपचार के बाद ठीक होने वालों की संख्या 2,536 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर इस समय 52.63% है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हाल ही में हुए कोविड 19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद ब्लॉक स्तर पर परीक्षण सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। श्री सोरेन ने यह भी बताया कि अस्पतालों में आवश्यक विवरण के बारे में जानकारी देने, बिस्तरों की उपलब्धता, नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता और घर पर अलग थलग रहने वाले स्पर्शोन्मुख रोगियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को टेलीफोन द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए एक नया नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 100,000 निगरानी टीम बनाने का निर्देश दिया है। कल रात लखनऊ में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आवश्यक रणनीति बनाने के लिए प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सकों और निर्देशकों की विशेष टीम गठित करने का भी आदेश दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशेष टीम संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान अनुसंधान अधिकारी और चिकित्सक शामिल किए जाएंगे। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 308 नए मामले राज्य की राजधानी लखनऊ में पाए गए हैं और यहां इस समय कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 1971 हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कहा कि सर्विलांस टीमों को हाइपर एक्टिव किया जाएगा और अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की 100% ट्रैकिंग के आधार पर जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 2 घंटे के अंदर पॉजिटिव व्यक्ति को भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने विशेष टीमों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी ने कहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री वाले व्यक्ति प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होम क्वारंटीन में रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में 6 केंद्रीय कारागारों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। ये कारागार भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने कैदियों के उपचार के लिए चिकित्सकों का समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। डॉ मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कैदियों की पेरोल अवधि 60 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए गृह विभाग उच्च स्तरीय समिति को यह प्रस्ताव भेजेगा। जैसे ही समिति की सिफारिश प्राप्त होगी, पेरोल अवधि के विस्तार से संबंधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कैदियों की पेरोल अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि कोरोना संकट के दौरान कैदियों को जेल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने परिवार से बात कर सकें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों को पहले से ही अपने परिवारों से टेलीफोन पर बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार का 4 सदस्यों का एक दल गुजरात में कोविड 19 स्थिति का जायजा लेने के लिए आज से राज्य का दौरा करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय दल स्थानीय प्रशासन को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के बारे में परामर्श देगा। सूरत के कुछ हिस्सों में दौरा करने के बाद यह टीम दोपहर में अहमदाबाद पहुंचेगी और कोविड 19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ये टीम के सदस्य शाम को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक करेंगे। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोरोना वायरस के कुल 828 रोगियों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जिसके साथ ही कोविड 19 से ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 32,174 हुई है, जबकि राज्य में कल 919 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 45,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों ने जान गंवाई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा सरकार ने 4 जिलों और 1 नगर निगम क्षेत्र में आज शाम से 14 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इन स्थानों में कोविड 19 महामारी के मामलों में अचानक तेज बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पूर्ण लॉकडाउन गंजाम, खुर्दा, कटक, जाजपुर और सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में लागू किया जा रहा है और आज रात 9 बजे से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र के साइबर प्रकोष्ठ ने परामर्श जारी कर लोगों से कहा है कि किसी बड़ी हस्ती के किसी ट्वीट को खाते की पुष्टि किए बिना दोबारा ट्वीट न करें और न ही उसे साझा करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और उबर तथा एप्पल कंपनियों के ट्विटर खातों के हैक किए जाने की घटनाओं के बाद यह परामर्श जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
दुनिया की जाने माने हस्तियों की ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर की पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने लोगों को चेतावनी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार किसी भी प्रसिद्ध हस्ती के ट्वीट्स को पूरी तरह से पुष्टि किए बिना रीट्वीट करने या रीशेयर करने के बारे में चेतावनी दी है। साइबर सेल ने कहा है कि कुछ गलत जानकारी फैलने से समाज में संभ्रम उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साइबर सेल ने सोशल मीडिया से होने वाले आर्थिक अपराधों के बारे में भी चेतावनी देते हुए नागरिकों से आह्वान किया है कि वे किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी का सोशल मीडिया पर आदान प्रदान न करें। महाराष्ट्र साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया को अपने यूजर्स के खातों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है और इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को नोटिस जारी की है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड 19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की एनेस्थीसिया विज्ञान विभाग की डॉक्टर राजेश्वरी ने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए घर में रहने और बार बार हाथ धोने के एहतियाती उपाय का पालन करने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में गरज और हवाओं के साथ वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में तापमान 26 डिग्री और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक दो बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया, दिन में 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अधिकतम तापमान। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अहमदाबाद में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। निखिल, राजस्थान में जारी सियासी संकट को आज प्रसारित अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब कोर्ट में दो दोहात। हिंदुस्तान की सुर्खी है राजस्थान के विधायकों की सुनवाई डबल बेंच में होगी। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है नोटिस के खिलाफ सचिन के साथी एमएलए हाईकोर्ट में सुनवाई आज। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रमुखता दी है पाकिस्तान ने जाधव को निर्बाध राजनयिक पहुंच नहीं प्रदान की। डरने वाले अंदाज में करीब मौजूद थे पाक अधिकारी। वहीं जनसत्ता की टिप्पणी है बंदिशों के बीच जाधव से मिले विरोध जताकर लौटे राजनयिक। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार भारत चीन गतिरोध अभी कायम। चीनी सेना पेंगोंग के फिंगर 5 पर जमी, भारत चाहता है फिंगर 8 पर लौटे, गतिरोध बरकरार शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है पेंगोंग से पीछे हटने को तैयार नहीं ड्रैगन। एक दिन में 32,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, इस खबर के साथ दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है देश में 9.68 लाख मामले, 24 घंटे में सर्वाधिक 20,783 मरीज ठीक हुए। वहीं हिंदुस्तान की खबर है 60 दिन में 9 लाख केस बढ़े, मृत्यु दर 2/3 घटी। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक बोले कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल सफल, दैनिक भास्कर में है। राजस्थान पत्रिका की खबर है अमरीका के लिए आज और फ्रांस के लिए कल से उड़ान। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है 116 दिन बाद शुरू हो सकती है उड़ानें, जर्मनी से भी चल रही बातचीत। दुनिया में सबसे स्वच्छ होगी भारतीय रेलवे, रेल मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान दैनिक भास्कर ने बॉक्स में दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अग्रिम इलाकों के दौरे पर हैं। भारत ने कहा कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराया गया दूतावास संपर्क न तो सार्थक था और न ही विश्वसनीय।
अमरीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत आज से अंतरिम आधार पर शुरू, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब सभी पंजीकृत चिकित्सा कर्मी कोविड 19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।